कॉलेज यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की तरफ से भी लेना चाहती हूँ कि करंट क्या उनको फाइनेंशियली हिट्स आए हैं एंड हाउ दे कैन बाउंस बैक, मतलब इसको कैसे कवर करेंगे, क्या क्या होना चाहिए जिससे ये फिर से लाइन पे आ सकती है चीजें, कैसे ये ठीक होगा, बिकॉज एक तरफ बच्चों का भविष्य है वो छोड़ भी नहीं सकते उनकी डिग्रीज बीच में, जी और एक तरफ स्टाफ है, मैंने आपको जैसे बात की थी नॉन टीचिंग स्टाफ है, एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स का पूल होता है एक इंस्टीट्यूट. सो करंट उनको क्या हिट्स आए हैं और कैसे वो बाउंस बैक करें. सबसे पहले तो हमने बात की फी कलेक्शन ना होने की वजह से यूनिवर्सिटीज को दिक्कत हो रही है फाइनेंशियली। आप मान लीजिए कुछ हद तक अभी ऑनलाइन एजुकेशन चलता रहेगा कोविड के बाद भी। ऐसे इंस्टीट्यूशन जिन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसके फाइनेंशियल बर्डन आएगा। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैलेशियल लग्जूरियस होटल लाइक बिल्डिंग्स पे इन्वेस्ट किया है, कहीं ना कहीं से पैसा तो आया ही है ना, उसकी कॉस्ट तो है ही है, उसको मेंटेन भी करना पड़ रहा है। जिन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट अपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर ली है उनको बहुत भारी दिक्कत आने वाली है। तो कॉस्ट तो कम होने वाली है नहीं, रेवेन्यू आपके अफेक्ट होने वाली है। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस भी आपको आपको देखने में आएगा कि सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया, वो जिन्होंने बहुत ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट में इन्वेस्ट कर ली है वो, और कहीं ना कहीं इनोवेशंस आपने नहीं की हैं जो अभी लानी पड़ेंगी, पेडागोजिकल इनोवेशंस, इनको बहुत वाली है। पोस्ट कोविड जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की बात है, अगर मुझसे एक वर्ड में पूछें तो वो कहूंगा कि फिस्कल डिसिप्लिन। आप अनवांटेड खर्चों कैसे कम करें, अपने कैश फ्लो को कैसे स्टेबल रखने के प्रयास करें, उसमें पढ़ाई के लिए बच्चों को तो अफेक्ट कर ही नहीं सकते आप, उनकी एजुकेशन में तो कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते आप, ताकि वो तो आने वाली है नहीं। ये तो हम ख्याल छोड़ दें कि इस साल में पूरे साल की फीस रेगुलर आपके पास आएगी, तो नॉर्मल समय में नहीं करते, इस साल आपको बहुत भारी दिक्कत होने वाली, खास करके कोविड के पीरियड की फीस देने में पेरेंट्स बहुत ही प्रॉब्लम करने वाले हैं। फीस बढ़ाने में पाबंदी लग गई है, आप फीस नहीं बढ़ रहे थे ज्यादातर स्टेट्स में, और जब तक लॉकडाउन खत्म ना हो तो फीस मांग भी नहीं सकते आप। मैं देखा था किसी एक राज्य में तो फीस मांगना अपराध घोषित कर दिया गया है, अगर आप फीस मांगेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन पंजाब में इससे भी क्या ऐसा ही है. संस्थानों को दिक्कत होने वाली है। विश्वविद्यालयों की जहां तक बात करूं मैं, आपने पंजाब का एग्जाम्पल दिया तो मैं एक इशू टच करना चाहूंगा। वहां पे कुछ हजार करोड़ रुपए सरकार ने निजी संस्थानों को नहीं दिए अभी तक। आपके यहाँ पे एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है जिसमें एक एक इंस्टीट्यूशन के 30 30 40 40 50 50 करोड़ रुपए सरकार ने अभी तक नहीं दिए हैं, क्योंकि वो बच्चे जिनसे फीस नहीं ले सकते संस्थान, उनकी फीस सरकार देती है इंस्टीट्यूशन को, वो नहीं दिए। उससे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल वायबिलिटी में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, और ऐसे समय में मैं नहीं समझता कि वो जो पैसा है संस्थानों को आने की उम्मीद कम ही होगी, ज्यादा तो होगी नहीं, उससे प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है। मैं समझता हूँ सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, आपको फजूल खर्ची कम करनी पड़ेगी, आपको जो कोर एक्टिविटीज है उन पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि तो नॉर्मल होने मैं समझता हूँ अगले 6 महीने से साल भर भी लग जाए आने, उन पे आप खर्चे कम करके सिर्फ कोर एक्टिविटीज जो खर्चे रखिए तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। और जहाँ ज्यादा दिक्कत होगी कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग का आपको रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे आप लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर सकें सिस्टम में, चाहे आपको लोन लेना पड़े चाहे किससे कॉन्ट्रीब्यूशन लेना पड़े, वो करना पड़ेगा, नहीं तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और मैं समझता हूँ हमारे यूनिवर्सिटी स्कूल्स कॉलेज में ऐसे बहुत कम संस्थान हैं जो फाइनेंशियली बहुत ही साउंड है, अदरवाइज वो हैंड टू माउथ वाली बात है, फीस आई खर्चा कर दिया, फीस आई खर्चा कर दिया। अब जब स्कूल की बसें चलती हैं तो बिजली तो जलेगा, तो उसमें एक बच्चा है चाहे 20 बच्चे हैं, ये कुछ फिक्स कॉस्ट है आप कम नहीं कर सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्रूडेंस फिस्कल डिसिप्लिन ही आपको सर्वाइव करने में मदद करेगा।